तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पेगासस स्पाईवेयर नाम से एक विवाद भारत में उठ खड़ा हुआ है। दरअसल कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में पेगासस विवाद को लेकर हवा मिल चुकी है। अमेरिका के भी कुछ बड़े अखबारों में ये छपा हुआ है कि मोदी सरकार पेगासस विवाद के जरिए विपक्षियों के चंगुल में फंस सकती है, और खुद विपक्षी भी इस बार ये खुलकर बोल चुके हैं कि मानसून सत्र में मोदी को पेगासस विवाद के बारे में खुलकर बोलना होगा और हम उन्हें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे मोदी को घेरने से। तो जिन्हें ये नहीं पता कि पेगासस विवाद है क्या, वो ये जान लें कि इसराइल की एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर, और मोदी सरकार के ऊपर आरोप यह है कि इस पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से उसने भारत में 300 से भी ज़्यादा लोगों की जासूसी कराई है, और इन 300 लोगों में जो शामिल हैं वो कई बड़े राजनेता, कई बड़े बिजनेसमैन, कई बड़े जर्नलिज्म और डिप्लोमैट्स से जुड़े हुए लोग हैं। तो मोदी सरकार के ऊपर आरोप है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उन्होंने उनके फ़ोन हैक किए हैं, उनके व्हाट्सएप चैट्स हैक किए हैं और कई ईमेल्स पर उन्होंने नज़र रखी हैं। तो यही है एक्चुअली में पेगासस स्पाईवेयर विवाद, और इसी के जरिए विपक्षी मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हो गए हैं। और इस बात का काफ़ी उफान इसलिए भी आया है क्योंकि कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, स्पेशली अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में भी इस पेगासस विवाद के ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं, और मोदी सरकार के ऊपर कुछ आलोचनाएं इस अखबारों में भी की गई हैं कि उन्होंने अपने देश के 300 लोगों की जासूसी कराई है। तो दोस्तों ये विवाद बहुत बढ़ जाने वाला लग रहा है अगर मोदी सरकार खुलकर इसके ऊपर कोई बात नहीं कहती है। तो फिलहाल यहीं तक है दोस्तों, यही था पेगासस स्पाईवेयर मोटे मोटे शब्दों में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और भारद्वाज व्यूज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।